lemon, please. We are back again with another video. So, आज का वीडियो आने वाला है जो भी कनाडा में न्यूकमर्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि आपको कनाडा में आते ही फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस के बारे में होने वाला है, क्योंकि आपको इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा लगेंगे. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या मिनिमम एक्सपेंसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो होगा आज का वीडियो. So, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम एक बहुत ही ऑसम लोकेशन पर आए हुए हैं जहाँ पे काफ़ी पीस ऑफ माइंड है, वो आपको जरा दिखा देते हैं. जैसे आप कनाडा में पहला अपना कदम रखेंगे आपका मीटर चालू हो जाता है डॉलर्स में. तो न्यू कमर्स की बात करें तो उसमें आपके स्टेटस हो सकते हैं स्टूडेंट, पीआर और वर्क परमिट. सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेटस वी कैन अंडरस्टैंड कि सबका बजट अलग होता है. बट आज हम ट्राई करेंगे कि आपको मिनिमम बजट की वाली चीजें बताएं जिससे आपके कुछ पैसे सेव हो सके. कुछ खर्चे आपके इंडिया से ही हो जाते हैं, जैसे कि एयरफेयर और एयरबीएनबी अगर आप क्वारंटीन में रहेंगे तो. बट हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम इंक्लूड करेंगे वो खर्चे जो आपके स्टेप इन के बाद स्टार्ट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एक्सपेंस. कनाडा तो आप लैंड हो गए हो, उसके बाद अब आगे कैसे जाना है? कैब. टैक्सी. कैब का खर्चा आप पहले ही लगा लो. हमारे अगर आप उसे इंक्लूड ना भी करो तो भी चलेगा. हाँ, अगर आपको कोई पिक करने वाला है आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. बट अगर हम अपना केस बताएं तो हम 30-35 किलोमीटर्स का हमारा जर्नी थी और हमें बड़ी कैब करनी थी क्योंकि हमारे पास थे चार बड़े बैग्स. तो हमारा आया था अप्रॉक्सीमेटली $105 का खर्चा. ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो हमने आपको बड़ी कार के हिसाब से बताया है और फुल लोड के हिसाब से बताया है और 35 किलोमीटर्स का वो रास्ता था. तो आप इसे इंक्लूड करो ना करो, आपकी मर्जी. It depends. So now that you have reached your place, which can be either Airbnb, apartment, basement, जो भी आपके दोस्त का घर, अपना घर, जो भी है. अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने किया है रूम रेंट या फिर शेयरिंग में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका रेंट होगा अराउंड 500. ये हम आपको मिनिमम रेंट बता रहे हैं एंड इट कैन वेरी. और अगर बेसमेंट की बात करें, अगर आप एक न्यू कमर हैं जो शुरू में बेसमेंट में रहना चाहते हैं, तो टोरंटो और वैंकूवर में अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 BHK 1200 के आसपास मिलेगा. अगर आप ये भी मिनिमम रेंज हम आपको बता रहे हैं, ये से ऊपर जा सकते हैं. और अगर आप बहुत अच्छा नेगोशिएट करें आपके इलाके तो आपको इससे थोड़ा कम में भी मिल सकता है. और अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे तो अपार्टमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है. ऑलमोस्ट $1800, $1600 से नीचे कोई अपार्टमेंट मिलते नहीं डिसेंट. तो आप समझ सकते हैं क्या होगा. इस रेंट में इंक्लूड करें तो आपको देना होता है कुछ जगह पर फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि होती है हाफ ऑफ द रेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेंट अगर आप कोई डैमेजेस वगैरह करते हैं उसके अगेंस्ट. और बात करें यूटिलिटीज़. हाँ, यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें, यूटिलिटीज मतलब बिजली, पानी और कहीं कहीं पर इंटरनेट का खर्चा, वो कहीं कहीं पे इंक्लूड होता है. मोस्टली बेसमेंट्स में इंक्लूड होता है. तो अब आप घर में तो एंटर हो चुके हो, अब आपको चाहिए फोन प्लान. फोन प्लान यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक जा सकते हैं. मैंने यहाँ पे $200 तक के फोन प्लान देखे हैं. बट अगर आप सबसे चीपेस्ट ऑप्शन देखना चाहते हैं तो उसमें आपको ऑन्टेरियो मिलेगा पब्लिक मोबाइल और वैंकूवर साइड पे यहाँ पे फ्रीडम मोबाइल काफ़ी सही है. ये सारे प्रीपेड प्लान होते हैं, पोस्टपेड काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. इसमें आपको 1-2 GB तक का डेटा इंक्लूडेड मिल जाता है, जो कि काफ़ी होता है अगर आपके घर में वाईफाई है तो. तो ये हो गई आपकी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि है सिम. तो जो कि अब आप घर में आ चुके हो, अब आपको चाहिए होगी नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मैट्रेस.
सो फॉर मैट्रेस आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केट प्लेस फेसबुक का जरूर एक्सप्लोर करें. टोरंटो साइड पे जीजी काफ़ी चलता है, वैंकूवर में क्रेगलिस्ट काफ़ी चलता है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी रील्स मिल सकती है. आईकिया से अगर आप लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको $200-$300 से स्टार्टिंग मिलेगा एक क्वीन साइज मैट्रेस. बट फॉर स्टार्टिंग आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस जरूर सर्च करो. तो मैट्रेस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ रूम्स या फिर बेसमेंट्स फर्निश्ड या फिर नॉन फर्निश्ड भी मिल सकते हैं, तो इट वो फिर से डिपेंड करता है. लेकिन अगर आपको अनफर्निश्ड मिले और आप एज अ स्टूडेंट चाहते हैं कि आपके पास एक बेड फ्रेम भी हो तो आप उसका $200-$300 का एक्सपेंस और ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप वही मार्केट प्लेस में देखें तो आपको हाफ प्राइस पे भी मिल सकता है. हाफ इन द सेंस आपको $90 तक मिल सकता है बेड फ्रेम. तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स एंड कुछ लोग प्रेफर करते हैं बेड फ्रेम एंड मैट्रेस लेना क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बेड फ्रेम और ऊपर से मैट्रेस लगाते हो पूरा बेड बन जाता है. एग्जैक्टली बेड ही बन जाता है. तो चलते हैं नेक्स्ट खर्चे की तरफ जो कि है अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको चाहिए होगा स्टडी टेबल एंड स्टडी से रिलेटेड सारा सामान स्टेशनरी. बट बात करें स्टडी टेबल की तो वो आपको कॉस्ट कर सकता है 100 से भी कम. अगर आप आईकिया से लेते हो तो आपको 100 से भी कम. फिर वही है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे. बट अगेन अगर आप मार्केट प्लेस चेक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है बहुत ही कम में. सो इतना सारा सामान लेते लेते लग गई होगी आपको भूख. हमें भूख नहीं लगी है लेकिन हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की तरफ जो कि होगा किचन आइटम्स एंड ग्रॉसरी क्योंकि आपको खाना भी चाहिए होगा. तो किचन में आइटम्स जो है वो आपको इंक्लूडेड मिल जाते हैं काफ़ी सारे घरों में. तो वो अप्लायंसेस हैं माइक्रोवेव ओवन फ्रिज मिल जाता है आपको एंड स्टोव और उसके साथ मिल जाती है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है. और इसी में अगर हम बात करें यूटेंसिल्स की तो वो आपने हमारी पुरानी वीडियो में देख ही लिया होगा. अगर नहीं देखी यहाँ पर पिन कर दिया है जाकर देख लो. तो चलो बताते हैं आपको अगर आप यूटेंसिल्स इंडिया से नहीं ला रहे हो और जो जो बच गए हैं उसके बारे में आपको क्या करना है. डॉलरामा आपने एक स्टोर के बारे में यहाँ पे सुना होगा, डिसेंट क्वालिटी का आपको वहाँ पे यूटेंसिल्स और आपको डॉलरामा में मैक्सिमम वहाँ की रेंज जो है वो है $4. तो आपको $4 के नीचे एंड $4 तक सारे यूटेंसिल्स एवरीथिंग मतलब मोस्टली यार सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं. अब बात करते हैं ग्रॉसरी की. अगर वो भी नहीं देखी वीडियो वो भी जाके देख लेना, पुरानी वीडियो हो गई है पिन कर देंगे. पूरी वीडियो तो आप देख ही लेंगे लेकिन अगर आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बता दूं तो अगर आप सब कुछ खाते हैं नॉन वेज वेज जो भी आप खाते हैं तो भी आप 100-150 के अंदर पर पर्सन यहाँ पे ग्रॉसरी कर सकते हैं आराम से. So, अगर आप आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो आपको और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि है सोफ़ा कारपेट डाइनिंग टेबल चेयर्स काउच एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो आप आइकिया से कॉस्को से भी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस. तो जी अब आप कनाडा जैसी जगह पर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको आते ही चाहिए होंगी जैकेट्स उसी के साथ स्नो शूज़ क्योंकि ये आप अगर इंडिया से लाते भी हो तो यहाँ के वेदर के हिसाब से वो नहीं चल सकता. और आपने हमारी वीडियो में ये सब डिटेल में हमने बताया था क्यों और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पैकिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी अगेन दोबारा अपनी नहीं देखी ना पैकिंग वाली वीडियो तो जाके देख लेना. तो डिसेंट क्वालिटी की डाउन जैकेट जो कि एक डाउन फेदर की जैकेट होती है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 100 के आसपास और अगर आप बहुत ही हाई ब्रांड में जाएंगे तो वो 700-1500 वो तो स्काई इज़ द लिमिट है लेकिन 100 में आपको डिसेंट क्वालिटी जैकेट मिल जाएगी. और ऐसे ही आपको शूज़ के बारे में भी यही कहूँगा कि आपको ये $80 के आसपास से स्टार्ट होके फिर तो स्काई इज़ द लिमिट अगेन बट आपको अच्छे शूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे. बट यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि लगती हैं बहुत सारी सेल्स तो उसमें आपको और भी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस मिल सकता. तो जी अब आप घर में तो बैठे नहीं रहोगे घूमने भी जाओगे तो उसके लिए चाहिए आपको इंडिया में होता था जैसे हमारा मेट्रो कार्ड यहाँ पर होता है कंपस कार्ड BC में और वहाँ पे टोरंटो में क्या होता था प्रेस्टो कार्ड. प्रेस्टो कार्ड तो BC की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $130 का है जिसमें सारे जोन्स इंक्लूडेड है अनलिमिटेड ट्रैवल हाँ पर मंथ ऑफकोर्स. तो और सिमिलरली टोरंटो में भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट आप चेक कर सकते हैं उनकी खुद की वेबसाइट पे प्रेस्टो की बट कंपस का तो यही रेट है भाई. जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उनको डेली कॉलेज जाना होगा तो उनके लिए मंथली कार्ड में स्टोर वैल्यू परफेक्ट है. ऑल्दो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही रिजिड स्ट्रॉन्ग काफ़ी प्रिडिक्टेबल है बट कभी ना कभी आपको टाइम आएगा आपको ऊबर भी करनी पड़ेगी तो प्लीज़ उसके लिए भी $100 का बजट जरूर रखें. नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करें तो वो अपने आप में ही काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो जैसे कि हम लोग सभी न्यू आते हैं
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छे दाम पे मिलते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज होती है, तो काफ़ी टेम्पटिंग होता है। बट फिर से स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि पहले आप यहाँ पे सेटल हो जाएं, फिर ही लें, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप उसका भी खर्चा ऐड कर सकते हैं। और हमारी अपने पैकिंग वाली वीडियो देखी तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलते हैं, फॉर द रीज़न बिकॉज यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको वो भी खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आप बहुत ही शौकीन हैं अपने हेयर गैजेट्स के तो प्लीज़ मत लाना, क्योंकि यहाँ पर नहीं चलने वाला। बट अगेन मैंने स्टूडेंट से बोला कि आप ना खरीदें, बट अगर आपका प्लान है लैपटॉप लेने का इंडिया से, तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर रख दीजिए, यहाँ आके लेना। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको वारंटी लोकल मिलेगी, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टर्डी प्रोडक्ट भी मिलता है। तो अब अप्लायंसेस की बात हो ही रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो उसमें इंक्लूड कर लो आप क्लोथिंग आयरन, ब्लेंडर एंड टोस्टर, इस तरह की चीज़ें। और ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हम सोचते नहीं होगी, बट इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसके लिए भी आप अपना थोड़ा सा बजट साइड पर रख लें। तो इन्हीं एक्सपेंसेस में आप इंक्लूड कर लो, वो डिपेंड करता है आपको जो भी इंटीरियर लेना है, कबर्ड्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, लैंप्स वगैरह, डेकोरेशन का। और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कार लेने के लिए भी काफ़ी टेम्प्ट होंगे, बट उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और स्टूडेंट्स तो यहाँ नॉर्मली यूज्ड कार प्रेफर करते हैं या न्यू कमर्स भी यूज्ड कार प्रेफर करते हैं, तो उसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो जरूर बनाएंगे। तो उसके लिए बने रहिए इस चैनल। आप भले स्टूडेंट हो, न्यू कमर हो या कोई भी हो, आपको एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, तो आपका उसका भी एक कुछ खर्चा ज़रूर होगा। अगर आपके पास टीवी है तो IPTV के कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे $50 पर मंथ के अराउंड, अदरवाइज Amazon Prime, Netflix, इन सब के खर्चे यहाँ पे इंडिया के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होंगे, क्योंकि कैनेडियन डॉलर्स में इनकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका भी आप खर्चा ज़रूर ऐड कर लें। तो इसी के साथ चलते हैं फिर से खाने वाली बात पर। तो कुछ लोग खाना बनाना प्रेफर नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि सभी वर्किंग होते हैं, तो उसमें आप अपने एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर लो टिफ़िन सर्विस का भी खर्चा। और मैं एक और चीज़ ज़रूर ऐड कर दूं, क्योंकि अगर आप कनाडा में हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट का कल्चर है, आप बाहर ज़रूर खाएंगे, तो उसका भी आप ज़रूर ऐड कर दें। ऊबर ईट्स इसके थ्रू काफ़ी सारे अच्छे आपको डील्स मिल सकती हैं, तो ये वाले कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे हम इंक्लूड नहीं करते, बट ये हो आपके जाते। हो जाते। तो ये थे यहाँ के फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इस पर आप क्वेश्चन भी रखो, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। चांसेस थोड़ा कम है, कम के चांसेस थोड़ा कम है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। नहीं हूँ मैं रेडी, जल्दी बताओ। हो गया, एंजॉय कर रहा था। खाना बन गया, खाना खा लो। नहीं खाना, खा लो। क्यों? मैंने बोला था है, मेरे को बबल टी पीनी है, मैं नहीं खाना, मेरे को अपनी। तो कल पी लेना बबल टी। नहीं आप खा लो, मुझे नहीं खाना, ठंडा हो रहा है। चल भाई तेरी बबल टी आ गई, दरवाजा खोलो, दरवाजा तो खोलो। मंगाई है क्या? हाँ हाँ डिलीवर हो गई। सच्ची? देख लो खुद से। बबल टी करना भूत है। नीचे देख, नीचे। रिकॉर्ड कर रहे थे सर। तो क्या ब्लॉगर हर टाइम रिकॉर्ड करता है। जस्ट शट दिस डाउन।